महात्मा गांधी आज हमारे नहीं पूरी दुनिया के हैं, जिनके लिए आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कहा था, आने वाली पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा गांधी नाम का कोई हार्ड मास का आदमी इस धरती पर कोई चला भी है। आजादी का जंग, लोकतंत्र की स्थापना, वोटों का राज और उसको कायम रखा, देश को एक रखा, अखंड रखा और 76 साल की उपलब्धियां जो है देश के सामने है, उसके कारण से हिन्दुस्तान आज साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एटॉमिक एनर्जी में सब जगह आप आज जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े प्रथम प्रधानमंत्री थे। गांधी जी के सानिध्य में पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद, फाजल अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया। अगर आप हकीकत बताएं सबका, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो कोई चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह हो, तो सबका नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। तो गांधी जी विचारधारा, उनका सोच, उनके सिद्धांत, उनकी नीतियां, वो हमारे लिए परमानेंट होगी। हम कम से कम राजस्थान में नई पीढ़ी को प्रेरित करें, संस्कारवान बनाएं,
गांधी जी के विचारों के नजदीक लाएं, फ्रीडम मूवमेंट क्या था वो बताएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी आगे पीढ़ी को बता सके। गांधी अतीत नहीं, गांधी भविष्य। दुनिया लोहा मान रही है। सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने बकायदा कॉन्फ्रेंस की, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की, सत्याग्रह के आधार पर संयुक्त संघ में प्रस्ताव पास हुआ। विदेश मंत्री थे आनंद शर्मा, उनको भेजा गया कनिश करने के लिए। गर्व होना चाहिए कि पूरी दुनिया के जो मुल्क है उन सबने सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया। वहां पर पूरी दुनिया के मुल्क 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे।